दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। यहां पे बातें होती हैं आपके स्वास्थ्य की और नई नई बीमारियों के विषय में आपको बताने की। अगर आपको छींक आती है लगातार, आंखें भी लाल हो जाती हैं किसी भी मौसम या एक फिक्स सी मौसम में, नाक भी बंद हो जाती है, नाक से पानी गिरता है और गले में भी खराश होता है, गले में दर्द होता है, छींक कंटिन्यूअस रहता है यानी लगातार रहता है किसी भी मौसम में या एक एक निश्चित मौसम में, तो इन सभी लक्षणों से अगर आप ग्रसित हैं तो सावधान हो जाइए। आप एक एलर्जी के बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं या ग्रसित हो रहे हैं। तो आइए उस एलर्जी वाले बीमारी को हम जानते हैं कि आखिर वो है क्या। अगर आपका नाक लाल हो जाता है, नाक से पानी गिरता है, नाक बंद हो जाता है, हमेशा छींक आता है, नाक से अक्सर पानी गिरते रहता है, सिर में दर्द हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, दोनों लाल हो जाए, एक हो जाए या अलग अलग हो जाए, तो ये एक लक्षण रहेगा। नाकें बंद हो जाए आपकी, नाकों में लगा रहे कि कुछ उसमें फंसा हुआ है और नाक से आपको तकलीफ सांस लेने में हो, पोस्ट नेजल ड्रिप हो यानी गले में लगे कि कुछ हमेशा नाक से गिर रहा हो, तो और उसके बाद से गले में दर्द हो रहा हो, कुछ घोंटने निगलने में दर्द हो रहा हो, तो ये सब लक्षण जो है किसी एक ऐसी एलर्जी की बीमारी के से विषय में है जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सभी एक लक्षण एक फिक्स समय पे या अलग अलग समय पे उत्पन्न हो सकते हैं और इन सबों में मुख्यतः वही नाक बंद होना, नाक से पानी आना, छींक आना, आंखें लाल होना, गला में दर्द होना और इन तमाम लक्षणों को आपके शरीर के अंदर हो। तो दोस्तों, ये जो लक्षण है, रनिंग नोज, वाटरी रेड आईज, रिड्यूस्ड ब्रीदिंग, कॉफ, नाक से पानी आ रहा या नाक में ड्रिप होना, सुस्ती महसूस होना, अगर ये सभी लक्षण आप में दिखते हैं तो आप एलर्जिक राइनाइटिस के शिकार हैं। आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है, इसको हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। आप एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो गए हैं जिसको हम लोग हे फीवर भी बोलते हैं और एलर्जिक राइनाइटिस भी बोलते हैं। ये सेल्फ डायग्नोस्ड होता है, स्वयं आप उपरोक्त लक्षणों को देख के डायग्नोस कर सकते हैं कि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है, ये सभी लक्षण या इनमें से एक दो तीन चार रहते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहला होता है कि सेल्फ मैनेजमेंट हम कैसे करें। तो जो भी एलर्जी है उसको आपको दूर करना होगा, नाक हमेशा धोते रहना होगा, स्टीम इन्हेलेशन या गर्म पानी का भाप यूकलिप्टस ऑयल डाल के लेना होगा, साथ में आपको हर्बल ट्रीटमेंट में करें तो लेमन जिंजर और हनी का टी या चाय बना के लेना होगा, आप ले सकते हैं दो बार तीन बार, आप ब्लैक पीपर एंड तुलसी, काली मिर्च और तुलसी का चाय ले सकते हैं, अदरक का रस एक एक चम्मच तीन बार आप ले सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में, नींबू का रस एक एक चम्मच तीन बार ले सकते हैं ये भी एलर्जिक राइनाइटिस में आप ले सकते हैं, आप गार्लिक यानी लहसुन का रस तीन बार ले सकते हैं, प्याज का रस ले सकते हैं, ये सब आपको होम रेमेडीज हैं, हर्बल ट्रीटमेंट है, इससे आराम मिलता है। और अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें, एलोपैथिक ट्रीटमेंट बात करें तो डिकॉन्जेस्टेंट यानी नेजल ड्रॉप का यूज करना होगा, नेजल ब्लॉकेट को खोलने के लिए, नाक बंद है उसको खोलने के लिए, और जो और भी उसमें दवाइयाँ यूज होती हैं जैसे आपको स्टेरॉइड हुआ, एंटी हिस्टामिनिक हुआ, डिकॉन्जेस्टेंट हुआ, आई डिकॉन्जेस्टेंट हुआ, ब्रोंकोडायलेटर हुआ और एंटी इन्फ्लामेटरी हुआ, इन दवाइयों के विषय में एक एक कर आगे जानते हैं कि कैसे कैसे इनको हम यूज करते हैं। अगर स्टेरॉइड की बात करते हैं तो आप हाइड्रोकॉर्टिसोन ले सकते हैं, वाइसोलोन ले सकते हैं, बेटनिसोल ले सकते हैं, और एंटी एलर्जी की बात करें तो आप लिवोसिट्रिजिन, कई ब्रांड से आते हैं, आप लिवोसिट्रिजिन ले सकते हैं, डेसलोटरिडिन ले सकते हैं, डिलोरेटिडिन या डेसलोरेटिडिन आता है, फेक्सोफेनाडिन 1 OD के डोज में आप ले सकते हैं 120 का। अगर आगे हम बात करें तो आपको मोंटेलुकास्ट जो इसका ड्रग ऑफ च्वाइस है, मोंटेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन, तो आप इसको कंटिन्यूस साल से 6 महीना तक आपको लेना है, आपका एलर्जिक राइनाइटिस ठीक हो जाएगा और इसके साथ आपको अपना इम्यून बढ़ा के रखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।